हेलो गेमर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नाउ टाइगेरियन। अब आगे देखते हैं इस एरिया में क्या है। ऐसा हम खेल रहे हैं समनर से, देखते हैं ये क्या है, मजा आएगा। ओके, ये देखो, ये क्या था? ओ, ओ, इनको वापस भी भेज सकते हैं। ओके, समझ आ गया मुझे। चलो, ओ भाई ये तो सही है। मेरे ख्याल से इधर भी थी एक छुपी हुई। भाई मेरे पास मत आइयो। यहाँ पे बहुत सारी हमारी गन्स हैं जो काम आ सकती है, जैसे ब्लीड ब्लीड। ओ भाई क्या कर दिया इन्होंने मेरी ऐसी तैसी। कैसी आवाज आ रही है, कैसी आवाज आ रही है? ये तो भाई रुक ही नहीं रहे भाई। पता नहीं अपनी जगह से नहीं रुक रहे। ओके, इनके पास गन है। ये गन उठा के पेलने पे लगे हुए हैं मुझे। ये तो सही नहीं है भाई। ओके, ये सही नहीं है भाई। मैं हम का अपनी हेल्थ गवा रहा हूं। ओ निकल, मैं खमका अपनी एबिलिटी अपने गन से। देख रहे हो मेरी हेल्थ कितनी चली गई अगर ऐसी मैं करता रहूंगा। ओ शिट, ये देखो एक को मारने से सब पे डैमेज। पीछे से तो कोई नहीं आ रहा, पिछले बार पीछे से आए थे, देख रहे हो। मतलब क्राउड कंट्रोल के लिए ये गन इतनी मस्त है ना, मजा आ गया इस गन को देख के। मतलब खेलने में मजा आ रहा है इस गन को। क्राउड कंट्रोल के लिए बहुत फाड़ गन है। ओ अबे भाई, इसने तो मेरी हालत खराब कर दी। ओके, और इसमें सबसे अच्छी बात है स्टैगर भी हो रहे हैं। अगर मैं किसी तरह ओवरलोड की गन, ये क्या बच्चा था छोटा? मैंने तो भाई ये नहीं देखा कौन है। यहाँ पे हथियार वाले बंदे कम है, मिली डैमेज करने वाले ज्यादा हैं यहाँ पे, जितने मेरे को दिख रहे हैं। ओके, ये किधर जा रहा रास्ता? ओके, ये हो गया खा। इधर तो बड़ा पंगा है, अरे इधर चलते हैं। क्या है इधर? ओ इधर ऊपर जाने का रास्ता। एरिया बड़ा अच्छा बना रखा, मजा आ रहा है। ओ भाई ये तो लेटे हुए हैं। I see the intruder. दरवाजा खुल सकता है? नहीं खुल सकता, ऐसे ही ट्राई करना पड़ेगा। और कुछ यहां से नीचे उतरने का? ये अंडरग्राउंड रास्ता जा रहा है क्या? बड़ी शांति है यार, कहीं ऐसा तो नहीं अचानक मेरे पे हमला होगा और दुपड़ दू दुपड़ दू दुपड़ दू।
मुझे ऐसा लग रहा है ये इधर क्या है, आग क्यों लगी हुई है इधर? बहुत शांति है, बहुत शांति है, जगह जगह टूटी पड़ी है चीजें, काफी दूर जा रहा है ये रास्ता। आई डोंट नो पहले अरे इधर तो लूट पड़ी हुई है, ये तो मैंने देखी नहीं। वेट लेस वेट, कौन है भाई? ओ बच गया मैं, बच गया। ये कौन है भाई, कौन है ये, कौन है ये, कौन है ये भाई, कौन है ये साला? ओ भाई ये क्या था? अबे ये किसने मारा मेरे को? ये क्या है? अरे ये क्या है, ये बच्चा यहां पे क्या कर रहा है? शिट, ये कौन है? और बड़ी शांति है भाई इधर। एक चीज तो मैंने गौर की और मेरे को एक एमुलेट भी मिला है। एक मिनट जरा एमुलेट देखूं कौन सा मिला था। इंक्रीज मूवमेंट स्पीड बाय 0.75 एंड रिड्यूस स्टेमिना कॉस्ट ऑफ एक्शन 0.75%। ओ मैं समझ गया क्या है ये। वेरी इजी। अब मैं अगर अपना हाई डैमेज पहन लूं, नहीं नहीं इधर नीचे नहीं उतरना, वो बंदा आ जाता है इधर। इधर ही था वो बंदा। चढ़ जाओ, वो बंदा आ जाएगा वरना। बड़ा सुनसान है भाई यहाँ पे, डर भी लग रहा है। देखो कितना क्रीपी माहौल बना रखा है इधर। मेरे को मैप भी देखते रहना है कि मैं कौन सा किया है। देखो इस साइड का एरिया मैंने अभी तक बिल्कुल नहीं किया हुआ, ये राइट वाला। उधर कोई चेक पॉइंट भी है और वो एरिया मैंने अभी तक किया नहीं, और मैं इस एरिया में आ चुका हूं। देखते हैं इधर क्या है। मेरे को एक्चुअली यहाँ पे पंगा है सिर्फ उनसे जो गन चला रहे हैं, वो दूर से बहुत तगड़ा डैमेज कर रहे हैं, बहुत ही तगड़ा डैमेज कर रहे हैं। इधर क्या है, कुछ भी नहीं है इधर तो। सुनसान एरिया बस, कुछ भी नहीं है इधर। इधर मैं जा सकता हूँ? नहीं। ये ओके नाइस। इसके अंदर, इन पे ऐसा लग रहा है जैसा मैं इसके अंदर जा सकता हूं। आई डोंट नो क्यों नहीं जा सकता, नो आइडिया। आई थिंक हो गया यहाँ का, यहाँ पे कुछ नहीं है। मैप के हिसाब से चलना पड़ेगा। आई थिंक ये ब्लू, पता नहीं क्या है, ये ब्लू टिक लगा रखी है। ओके मेरे को दोबारा समन कर लेना चाहिए यहाँ पे। ओ नहीं, दोबारा मेरे को समन करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। लग जा भाई। ओ एक्चुअली पक्का है पंगा ये है कि ओ नहीं, ओ ये ओ नहीं, ओ नहीं, मेरे को हेल्थ नहीं चढ़ानी भाई। नहीं नहीं, ये एक्चुअली एक बार सिंगल बार डब रहा है, होल्ड करने पे है वो।
और होल्ड करना थोड़ा मुश्किल है, जैसे ये बहुत जान लगानी पड़ रही है, अगर काम कर रहा है पर बहुत जान लगानी पड़ रही है, पंगा ये है। चलो अब कौन है, कौन लेगा अपने से पंगा, कर देंगे उसको नंगा। आ जाओ, कौन है ये, नीचे क्या है, यहाँ पे ये क्या है। लड़ाई हो रही है इधर, ये आवाज कैसी है भाई, ये आवाज कैसी है। ओह, मेरे पीछे से कोई ना है, बस पीछे से देखना पड़ेगा मेरे को। ओ भाई ये कौन आ गया, मारो इस पे। ओ इस पे तो भाई डैमेज नहीं लग रहा, खतरनाक बंदा लग रहा है ये। ओ ओ ओ ओ ओ ओ, 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 ओ भागो 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 भागो। गया, खेल लिया भाई, ये साला 100 लेके पीछे पड़ा। पिछली बार आया था, पिछली बार मर गया था, पर पीछे कौन एंड करेगा मेरा, कौन एंड करेगा मेरा, छचुंदर तू करेगा। और कौन है, और कुछ इंटरेस्टिंग है इधर। हाँ मैं ये देख रहा था, इससे जा सकता हूँ क्या, मेरे को लग रहा है इससे कहीं। ओ भाई ये क्या था, ये क्या था, मैं बचा कैसे इससे। ओ ये क्या था, पकड़ पकड़ मुझे, आई डोंट नो, मुझे पकड़ा नहीं उसने दोबारा। उसने हाथ दिया और गायब हो गया, ऐसा क्यों। आ जा भाई, अचानक ये क्या आया था, आई डोंट नो ये है क्या। नहीं आ रहा, लगता एक ही बार था, आई डोंट नो क्यों नहीं आया बंदा। चलो कोई दिक्कत नहीं, अचानक उसने हाथ मारा पर मैं पकड़ में नहीं आया, पता नहीं वैसे तो पकड़ में आ जाते हैं, मैं नहीं आ पाया। नो आइडिया क्यों ऐसा, ये 100 वाले बंदे को मारा मैंने। ओके स्क्रैप लेते रहो, स्क्रैप लेते रहो, स्क्रैप कमाने का टाइम है, बहुत अपग्रेड करना है अपने को। मेरी दोनों गने बड़ी सही है, वो एक ब्लीड डैमेज करती है और एक डैमेज करती है वो। मेरे को एक्चुअली जो रिंग है वो खरीद लेनी चाहिए, उसका रीजन ये है जब मैं बहुत से लड़ूंगा तो रिंग की जरूरत पड़ेगी मुझे। और हाँ लैडर्स भी जो ऊपर जाते हैं, ये क्या है। ओके डोर है, जो लैडर्स हैं ऊपर जाने वाले उनको भी देखना पड़ेगा कि कहीं से कोई लैडर मिल जाए, पर मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं इतना आगे आ गया हूं और मैंने पीछे का अभी तक किया नहीं। चलो चेक पॉइंट मिलेगा तो वापस चला जाऊंगा, मैं कुछ ज्यादा आगे आ गया हूं मुझे ऐसा फील हो रहा है, मेरे को पीछे वाला पहले करना चाहिए था। फिलहाल हम ढूंढ रहे हैं चेक पॉइंट। ओ देखो
मिल गया। एक और नई जगह डंजन, एक डंजन तो मिल गया हमें, पीछे भी डंजन था आगे भी डंजन था। नीचे क्या है ये? मैं क्या नीचे कूद के जा सकता हूँ? यहां से ही जा सकता हूँ बस, यहां से रास्ता है वैसे। यहां पे मैं डूब तो नहीं जाऊंगा? आई डोंट नो, मैं तो बस चेकआउट कर रहा हूं। ये मेरे साथी की आवाज है, ये जो डराने वाली आवाज निकाल रहा है। सही है ना, अपने साथ घूमने में लगा हुआ है, अपने साथ संबंध कर लो और साथ में चलते रहेंगे, ये एबिलिटी है। और मेरी एबिलिटी भी अनलॉक हुई है शायद, ये वाली इंक्रीज मॉड एंड स्किल डैमेज बाय 3.5% व्हाइल ए मिनियन इज एक्टिव। ओके, सैक्रिफाइसिंग ए मिनियन इंक्रीज रेंज एंड मिली डैमेज। ओ, रेंज एंड मिली डैमेज अगर मैं सैक्रिफाइस कर दूंगा तो। सैक्रिफाइस कैसे करते हैं? सैक्रिफाइस रूट होल्ड करके। ओके, होल्ड करके। भाई होल्ड तो हो नहीं पाएगा, पंगा ये है क्योंकि मेरे पास वो नहीं है। रूट हॉलो, ये तो बड़ा सही है यार, मतलब मिनियन अपने साथ रखो और जब सैक्रिफाइस करना हो, मरने वाले हो तभी सैक्रिफाइस कर दो। उससे क्या आप बेनिफिट रहेगा कि भाई अपना मिनियन अपने साथ है ही, और जैसे हमें ज्यादा डैमेज चाहिए तभी उसको सैक्रिफाइस कर दो। इधर जा सकता हूं मैं एक्चुअली इधर नहीं जा रहा, उसका रीजन ये है, पहले मेरे को पीछे वाला करना है। आप देख रहे हो मैप में ये वाला मेरा छूटा हुआ है और मैं इधर आ गया हूँ आगे का करने के लिए, और वैसे ही मेन गेट है इधर। अब मैं वापस जाऊंगा, कोई नहीं, ये मैं कट कर दूंगा। जगह लैडर पे जरा ध्यान से नजर रखो। चलो अंदर देखते हैं क्या है, इधर जाना है हमें। मेरे को अभी तक ब्लीड की गन मिल चुकी है, ओवरलोड की गन मिल चुकी हो भाई। यहाँ पे तो सब जले हुए हैं। यहाँ पे तो भाई सब मरे हुए हैं, सबको जला रखा है। इधर का सीन क्या है? यहाँ पे भाई कोई फायर वाला बॉस तो नहीं है? अगर फायर वाला बॉस है तो भाई बड़ी दिक्कत होने वाली है। देखो, मुझे समझ नहीं आया वो बच्चा जिसने मेरे को आराम से झुका और चला गया, पर इनको तोड़ना जरूरी है। ये स्क्रैप दे रहे हैं, ये देखो, हम भी फुल फायदा उठाएंगे। बचर क्वार्टर, अगर हमें मिल रहा है स्क्रैप तो दिक्कत क्या है? बचर क्वार्टर, ओके, पर देखने में बड़ा मस्त लग रहा है भाई। मजा आ रहा है देख के, हर वर्ल्ड एक दूसरे वर्ल्ड से एकदम डिफरेंट है, और हर गेम में लोग यही चाहते हैं। ये कैसी आवाज है? ये आवाज कहां से आई?
आई डोंट नो ये आवाज कहां से आई, कोई दरवाजा खुल सकता है क्या भाई? यहाँ पे गलियां इतनी सुनसान क्यों हैं, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। और यहाँ पे तो मेरे को लग रहा है शॉटगन ही सक्सेसफुल है जिस हिसाब से लग रहा है, पर बहुत टाइम से मैंने शॉटगन को अपग्रेड नहीं किया है, करना चाहिए। वो भाई ये तो किसने टांगा हुआ है? ओ भाई ये किसने मारा बे? भाई इसको आग कैसे लग गई? ओके नया पर खुल गया मेरा। ये भाई इस पर आग कैसे लग गई? अब ये क्या है? Minion that expired leave a 3 meter aura which heal to oh! Wow, भाई ये समनर तो बड़ा अच्छा है यार, चल लग जा। सही में समनर तो बड़ा अच्छा है इसमें यार, ये देखो। अब जब ये मरेंगे तो ये एक एरिया छोड़ देंगे जिसमें मैं हील कर सकता हूं, ये तो बहुत अच्छा है। ओ मेरे बोल्ट डालते ही ये आग कैसे जल रही है इन पे? मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है इन पे आग कैसे लग रही है। इनको तो मिली डैमेज करना बड़ा मुश्किल है, मैं जैसी बोल्ट मार रहा हूँ ये जल जा रहे हैं। ये देखो मेरे मिनियंस पे भी आग लग गई है, फायर डैमेज। ओके पर भाई फायर डैमेज वाकई में बड़ा अच्छा लग रहा है। ओ भाई मैं नीचे जा सकता हूँ? भाई नीचे तो बहुत गहरा है, कूद के तो नहीं जाया जा सकता, कोई अल्टरनेट रास्ता तो जरूर होगा। कौन है? आवाज कहां से आई? नीचे कुछ है, पर्पल यानी रिंग है नीचे। आई डोंट नो नीचे जाने का रास्ता कैसे है, कोई ना कोई रास्ता तो होगा ही। अगर मैं ब्लीड गन चलाऊं तब इन पे आग लगेगी? ओ इन पे तो कोई भी गन चलाओ इनको आग लग रही है। ओ भाई दूर रह, ये आग लगा रहे हैं मेरे पे इसलिए दूर रखो इसे। ओ ये रास्ता कहीं जा रहा है और डाउन साइड ही जा रहा है। देखो सही हुआ भाई ये गन मिली मेरे को। ओ ये कौन है? ओ भाई ये कौन है? ओ भाई ये क्या फेंक रहा है? ये है क्या? ओ भाई मैं क्या करूं इसके साथ? मरिया मरिया मरिया, ब्लीड डैमेज लग गया, ब्लीड डैमेज लग गया। भाई ये क्या था, ये क्या था? भाई जो भी था भाई, मेरा रास्ता बंद कर दिया था वो, पता नहीं अजीब सी पावर मार रहा था, आई डोंट नो क्या था। मेरे ख्याल से आगे जाने का रास्ता है, मैं पीछे जाऊंगा नीचे, क्योंकि वो नीचे जाने का रास्ता दिख रहा है मुझे। ओके यही है मेरे ख्याल से, मेरे रास्ते से हटो। ओ अंडरग्राउंड, ओके मैं जानबूझ के अंडरग्राउंड जा रहा हूं बिना डरे,
समन दोबारा करने पड़ेंगे मेरे को लग रहा है, क्योंकि अंडरग्राउंड जितना जाओ उतना मुश्किल, जोर से होल्ड करना पड़ेगा। ओके इधर क्या है, कुछ लग तो नहीं रहा। मैं जंप कर सकता हूँ क्या उधर? लत्ती इन्होंने कोई, मैं बस ये देख रहा हूँ इन्होंने कोई नकली वॉल तो नहीं दे रखी। अगर नकली वॉल दे रखी है तो वो भी चेक करना चाहिए। मजा आ रहा है भाई, जैसे जैसे इन्होंने बना रखा है। ओहो ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हम डार्क सोल ही खेल रहे हैं। और अगर मैं डार्क सोल खेल रहा होता तो जैसे ही मैं उतरता नीचे, यहाँ पे कोई ना कोई हम पे अटैक कर रहा होता। पर ये डार्क सोल गेम नहीं है, इसलिए उन्होंने थोड़ा इजी बनाने के लिए नहीं रखा, नहीं तो भाई उतरते ही यहाँ पे बंदे होते, इतना मुझे पता है। ओके यहाँ पे आग ही आग लगी हुई है। ओके ये बीच से आ गया। ओ शाइनी क्या था ये? रिलोडिंग ग्रांट 25-30 मोड पावर टू बोथ वेपन बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ मैगजीन रिलोडेड। ओ ये तो बड़ा अच्छा है, नाइस। मतलब जितनी कम मैगजीन होगी उतना कम अमाउंट हमें बोनस मिलेगा। अरे ये कहाँ जा रहा हूँ मैं? ओ भाई ये क्या था? मैं यहाँ कूद गया और मैंने आगे चेक तक नहीं किया क्या हुआ। मेरे को आगे चेक करना था और मैं चेक नहीं कर पाया। भाई ऐसे टाइट कॉरिडोर के लिए मेरे को लग रहा है शॉटगन ही स्विच करनी पड़ेगी। इसका म्यूटेटर है? ओ इसमें म्यूटेटर ही नहीं लगा रखा मैंने। ओके ये लगा लो। और करना पड़ेगा, जितने ये टाइट कॉर्नर हैं उस हिसाब से तो मुझे यही लग रहा है। मेरे को लग रहा है ये ऊपर होगा, इसका कोई मैकेनिज्म होगा ऊपर करने का। ओ ये रहा, ओ भाई ये क्या है, भाई ये क्या है, ओ भाई ये क्या है, अबे भाई ये हुआ क्या मेरे को, मैं मरा कैसे? चलो और इधर अब मैं सम्मन करूंगा, चल दब जा। ताकि मैं मार सकूं इनको। यहाँ पे मेरे को खोलना है अपना पावर और यहाँ पे एक अपनी एबिलिटी भी लगा लेता हूँ वाली। अरे लग जा। ओ वो खोलने से पहले मैं एबिलिटी लगाऊंगा, खुल जा। ओ क्या पंगा है, लग जा भाई। कंट्रोलर खराब होने के ये नुकसान है भाई, क्या कर सकते हैं। यस ओ भाई भाई क्या है ये, हेल्थ 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 हेल्थ, मारो मारो मारो। इतनी सी जगह में मैं लड़ूं कैसे इससे, समझ नहीं आ रहा। मरा या नहीं मरा,
मारते रहो मारते रहो मारते रहो, कुछ तो है गड़। ओ भाई ओ शिट, हेल्थ, इतनी सी जगह में लड़ कैसे सकते हैं भाई हम। ओ शिट, मरिया 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 भाई मरिया, फक भाई साहब, इतनी सी जगह में। इतनी सी जगह में फाइट, अगर मेरे समनर नहीं होते तो इससे लड़ना बड़ा मुश्किल था भाई। मैंने भाई कैसे मारा है मेरे को ही पता है, भाग भाग के। भाई इतने टाइट कॉर्नर पर कौन बॉस फाइट बनाता है भाई, कौन बनाता है। ओके अब खुल सकता है मेरे को कोई, अरे हाँ मेरे को मिला भी तो है कुछ, मेरे को लगा कुछ मिला है मेरे को। इंक्रीज मिली डैमेज 20% व्हेन बिलो 50% हेल्थ, रिड्यूस द स्टैमिना। ओके ये नहीं मिला मेरे को। ओके क्या मिला है, ये मिला है इंक्रीज रेंज डैमेज ऑफ वेपन बाय 10% टू ब्लीड टारगेट। ओ दैट्स नाइस, मेरे को तो लग रहा है ये गन यहाँ पे काम ही नहीं कर पा रही। मेरे को पता है इस पर क्या म्यूटेटर लगाना है, यही वाला ब्लीड वाला, ये ब्लीड पे ब्लीड म्यूटेटर। भाई मजा आ जाएगा इस गन में जब ब्लीड म्यूटेटर लगा हुआ होगा, डैमेज सोच से ही बनता है। भाई सुअर भेज रखा है इन्होंने। ओके यहाँ पे पक्का वो है रिंग, यही है क्या। ये खाली खाली क्यों बना रखा है भाई इन्होंने, जब कुछ देना ही नहीं था। स्ट्रेंज, मेरे ख्याल से वहां से निकलने का एक ही तरीका था, वहां से भाग लो। शुक्रा मैंने समन्नर बुला रखे थे, ये फायदा है इस गेम का। अब दोबारा बुला लेता हूँ भाई, बॉडीगार्ड है वो एक तरीके से मेरे। अरे यार ये क्या मार दिया मैंने, आहा ये क्या मार लिया मैंने, आहा अरे भाई आहा हेल्थ नहीं मारनी भाई, आहा ये मारना है। ये मेरे बॉडीगार्ड है जो मेरे को बचाएंगे हर जगह से। मजा आएगा इस गेम में इस तरीके से खेलने में। इधर क्या है, वो रास्ता है ऊपर जाने का, लैडर मैं समझ गया, पर इधर क्या है, ये किस लिए बना रखा है, नो आइडिया। मुझे ऊपर ही जाना पड़ेगा, और क्या है इधर, यार मेरे को वो तो मिला नहीं। कौन है भाई, आवाज क्या आ रही है, ये क्या है भाई, इसमें तो गोलियां नहीं लग रही भाई, चक्कर क्या है। ये देखो भाई, ये तो कोई ब्लीड डैमेज। ओ शिट, ये क्या था भाई, ये जो भी मार रहा है उसको अपने पे हावी होने मत दो। ओ नहीं नहीं भाई, ये वही है, मार दिया मार दिया मार दिया मार दिया, खेल खत्म। मेरे को बस एक दिक्कत है, मैंने सोचा वहां से मैं नीचे जाऊंगा,
और मेरे को वो रिंग मिलेगी जो दूर से दिख रही है पर मेरे को मिली नहीं। ये देखो मैं दूसरी तरफ आ गया हूं पर मेरे को ये रिंग नहीं मिली। वाई क्या मिस किया मैंने, क्या मिस किया मैंने? ये आगे जा रहा है रास्ता, ये रास्ता किधर जा रहा है? एनीथिंग इंटरेस्टिंग? दरवाजा खुला है कोई? कौन सा रास्ता है ये? ओ घूम फिर के हम वहीं आ गए पर मेरे को वो नीचे का रास्ता नहीं मिला जिसके लिए मैंने इतनी खोजबीन की थी। ओके वो गायब हो चुका है यानी मैंने ले चुका हूं। ओके मैं समझ गया। ओके मुझे लग रहा है कि मैं कर चुका हूं वो इसलिए क्योंकि यहाँ से जब डिस्टेंस होता है इन्होंने एलईडीज जो हैं वो गायब कर दी थी जिसकी वजह से वो मेरे को दिखा नहीं। मतलब मैंने सोचा वो ओपन एरिया में, पर ओपन एरिया में नहीं है वो। ओके अब आगे चलते हैं। इधर क्या है? स्क्रैप के अलावा कुछ भी नहीं है इधर, ना लैडर ना कुछ। एक बॉस को मारा फिर इधर आते ही मुसीबत बढ़ गई। फिनिशिंग एरिया तो है और देखो मैं अभी तक मेरे को कोई क्रिस्टल नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। कौन है? सबसे बड़ी दिक्कत है ये फायरी डैमेज, फायर मार रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। ओ भाई फिर से आ गया ये। ओ भाई ब्लीड डैमेज मारते हैं। ओ भाई ओ भाई दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। ओ ये खाओ, ये खाओ। अब निकल, मेरे पास आ रहा है। फायर डैमेज लगा दिया इसने भाई। एकदम से बंदे आके मेरे को पेल रहे हैं। शुक्र है मेरे पास ये क्राउड कंट्रोल वाली, भाई यहाँ पे ये क्राउड कंट्रोल वाली गन होनी होनी चाहिए। ओके मैं नीचे जाऊं क्या या इधर जाऊं? पहले इनको तोड़ो, इनको तोड़ने से स्क्रैप मिल रहा है। ये थोड़ा गलत है करना पर गेम में इन्होंने पैसे ही नहीं दे रखे यार। पैसे कमाने के लिए इतना तो करना ही पड़ता है। ओ मेरे को लगा वो दोबारा हाथ मारने वाला बंदा तो नहीं है। मेरे को एक ही जगह मिला पर खींच नहीं पाया वो मेरे को। ओ ये आगे जाने का, ओ सामने ट्रेट है। नाइस नाइस। मेरे को दूर से ही दिख गया ये, दूर से ही दिख गया मेरे को ब्लू ब्लू यहाँ पे। ये तो अच्छा कलर कोडिंग अच्छी कर रखी है। देखो पर्पल मतलब होता है रिंग, रेड मतलब होता है हार्ट, ब्लू मतलब होता है ट्रेट। कलर कोडिंग इस हिसाब से कर रखी है कि हर कोई। ओ ये नीचे क्या कर रहा है?
ऊपर आएगा कहां से आएगा? ऊपर आएगा तो कहां से आएगा ये? मेरे को लग रहा है मेरे पीछे भी कोई है। ये आवाज कैसी आ रही है? कुछ खतरनाक सी आवाज आ रही है। ओ भाई आ गया ये, आ गया ये, आ गया ये, ओ गया। मर, ये क्या आग लग गई मेरे को? ये कैसी आग लग गई मेरे को? ये रहा। ओ भाई मुंह पे ये कहां से आ गई? निकल। ये भाई शॉटगन बन जाती है। ओ पास नहीं, पास नहीं आना तुमने, पास नहीं आने दूंगा तुम्हें। इससे तो कुछ होता भी नहीं, होता भी है भाई ये तो आते ही बड़ा शोर मचा रहा है। जैसे ही आता है शोर बहुत मचाता है, ये फाड़ देता है अच्छे से। पर मजा आ रहा है। ये क्या है? मैं ऊपर चढ़ सकता हूँ? मैं ऊपर चढ़ सकता हूँ? मैं बोलूँ एक चीज है, ये गेम ऑफ द ईयर के लायक है। ये गेम ऑफ द ईयर गेम है। मैं डैम श्योर हूँ कि ये गेम ऑफ द ईयर जीत सकती है आराम से। पर मैं 6 मंथ हुए हैं अभी, तो इसको अभी गेम ऑफ द ईयर नहीं मान सकते। उसका रीज़न ये है क्योंकि अभी बहुत अच्छी अच्छी गेमें आने वाली हैं। वो जमाना गया सही में कि 2023 में गेम आपको लगातार मिलेंगी, लगातार। उसका रीज़न मैं बताता हूँ। उसका रीज़न ये है कोविड। कोविड की वजह से 2021 और 2022 की गेमें बहुत डिले हुई हैं, बहुत ज़्यादा डिले हुई हैं। वो गेम सारी होके इधर आई हैं, मतलब 23 में। इस वजह से ओ पूजा कर रहा है भाई, प्रॉब्लम क्या है तेरी? ओ भाई मिली डैमेज में भाई, इसको देख रहे हो आग लग रही है। ये अपने ऊपर छिड़क रहे हैं। आप कौन है? आ गया फिर से। गया। ओ भाई निकल। अब ब्लीड डैमेज खा अच्छे से। ये साले भूत इधर घूम कैसे रहे हैं? मेरे को समझ नहीं आ रहा। ओ ओ ये है क्या? ओ ये तो कोई भाई, इसकी ये मिली डैमेज वेपन मिलेगा मुझे भाई। कुछ इसके अंदर से निकल रहा है यार, कुछ कीड़े वीड़े निकल रहे हैं क्या इसके अंदर से? ऐसा लग रहा है भाई। मजा आ रहा है इस गेम को खेलने में, मजा आ रहा है। एरिया देखो यार, और गन देखो। मेरे को ये गन दोनों इतनी अच्छी लगी है ना, मैं कहीं वैसे तो मेरे को शॉटगन पसंद है, पर अभी तक मेरे को शॉटगन, अपनी शॉटगन का कोई अल्टरनेटिव मिला नहीं है। मैं सही बोलूं, मेरे को एक गन ऐसी नहीं मिली जो मेरी उस शॉटगन का अल्टरनेटिव बन जाए जो मैंने अपग्रेड किया है। मतलब कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग शॉटगन मिल नहीं रही। इन्होंने पता नहीं इस गेम में शॉटगन इतनी कम क्यों उड़ा ली है, आई डोंट नो, नो आइडिया इसका। बहुत कम शॉटगन डाली हुई हैं यहाँ पे, लोगों को जलाया जा रहा है सबको। लोग पागल हो गए हैं अपने अपने आप को मारने पे लगे हुए हैं। ओ हैंडपंप के आगे मरा है ये, देख रहे हो?
हैंडपंप के आगे मरा ही है, मतलब अपने आप को बचाते हुए। ये देखो यहां से कोई रास्ता आ रहा था, अल्टीमेटली मुझे इधर ही जाना है, लग तो यही रहा है। और लास्ट में डंजन भी दिखा रखा है इन्होंने। गेम इज ग्रेट, मजा आ गया चीजें देख के। मेरा कंट्रोलर खराब है, मैं फिर भी खेल पा रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली इन्होंने दो कीज़ तो कंट्रोलर की खराब कर रखी हैं, मतलब उनका यूज ही नहीं दे रखा, पता नहीं क्यों, ये मेरे को समझ नहीं आया। मेरे को समझ नहीं आया ये रास्ता कहाँ से है, ये कोई रास्ता घूम फिर के आएगा क्या? वो लैडर इन पे चढ़ सकते हैं क्या पाइपों के साथ? ना, मैं देख रहा हूँ कोई लैडर वैडर मिस तो नहीं कर रहा मैं, क्योंकि यहाँ पे लैडर मिस हो सकती है जहाँ तक मुझे लग रहा है। और मैंने सिमिलर गेम एक खेली थी, वो थी उसका नाम भूल गया मैं, वो भी ऐसी एरिया में बनी हुई थी, पर इतना तो पता है मेरे को कि चाहे कोई गेम हो या कुछ हो, वेस्ट ईविल वेस्ट है उस गेम का नाम, वेस्ट से बहुत इंस्पायर्ड है गेम है, वेस्ट के काउबॉय ये सब कल्चर। ओ सामने कुछ है, सामने कुछ है, इन सबको जला दिया गया है इधर, पता नहीं किसने जलाया, नो आइडिया। हम वही देख रहे हैं, वही ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको जलाया तो जलाया किसने, पर हमें स्क्रैप मिल रहे हैं इनसे तो फायदा है कुल मिला के वही है, घूम फिर के हम वहीं आ जाएंगे। और यहाँ पे कोई लैडर वैडर है जिससे हम, एक्चुअली इन्होंने ना दो चीजें कर रखी हैं, अगर आप ध्यान दो हर जगह दो रास्ते दिए हुए होते हैं, एक रास्ता मुश्किल होता है, एक रास्ता आसान होता है, और वो आपको चूज करना है कि आप मुश्किल रास्ता चूज करते हो या इजी। ये मैंने गौर किया है, आप देखना हर जगह दो मोड आते हैं, एक इजी रास्ता होता है एक मुश्किल। यहाँ पे मेरे को लग रहा कोई फायर टाइप का कोई बॉस होगा, पक्की बात है, जो मोर्टल शेल खेली थी उसमें भी एक ऐसा एरिया बना रखा था जिसमें फायर ही फायर थी और लास्ट में बॉस फायर ही निकलता है। मोटर चल अच्छी गेम थी वैसा देखा जाए, वो भी एक डार्क सोल का एडेप्शन ही है, पर अच्छा एडेप्शन है। हर कोई हर दूसरा बंदा डार्क सोल को एडेप्ट करने पर लगा हुआ है देखा जाए तो, हर कोई। ओ चेक पॉइंट, चेक पॉइंट से पहले यहाँ पर कोई लैडर होना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ ये रहा, यहाँ पे एबिलिटी पड़ी हुई है, रिंग है ये कोई, और पता नहीं कौन सी रिंग होगी ये, स्टोन ऑफ मेल वॉलेंस, आई डोंट नो मैं सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा। एलिमेंटल डैमेज जनरेटेड 15% एडिशनल मॉड पावर, ओके मॉड पावर से रिलेटेड है भाई, रिंगों की तो भरमार लगी हुई है भाई अपने पास, मैं सही बोलूं। मैंने अपनी रेंज बढ़ा दी है ताकि मेरी जो छोटी गन अच्छे रेंज से चले, क्योंकि ये क्राउड कंट्रोल बहुत अच्छे से करती है। इधर क्या है, ये खाली नहीं है, पत्थरों से ढका हुआ है, इधर कुछ नहीं है, वरना मैं सोच रहा था फिर से वो हाथ पकड़ने वाला आए। ओ चेस्ट देख रहा, मैं तभी घूमता हूँ, मुझे पता है कि ये चेस्ट छोड़ेंगे छोड़ेंगे, क्या
चलो हमें चेक पॉइंट मिल चुका है, अच्छी बात है। इस पहले डंजन का चेक पॉइंट तो ये हो चुका है। चलो फटाफट चलते हैं, चेक पॉइंट करते हैं। और पैसे कितने हो गए? ओ पैसे हो गए हैं। और अपनी गन को अपग्रेड करते हैं। मेरे ख्याल से मुझे ब्लीड गन और ये बोल्ट वाली गन दोनों को अपग्रेड करना है। मुझे बहुत मजा आ रहा है दोनों से खेलिए।